देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से भी बात करें तो आपके ग्रह योगों को देखते हुए 2024 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई प्रकार के योग 2024 में जो आज दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए बड़े उन्नतिकारक योग बनने वाले हैं। जिस प्रकार से 2024 जैसे नई उम्मीद लेके आ रहा है, हमें दिखाई देता है कि 2024 में वो बहुत सारी उम्मीदें आप पूर्ण करने के योग बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को बरतने का काम करेंगे। तब 2023 और 24 में एक मूलभूत प्रश्न उठता है, फर्क क्या है? शनि तो वहीं के वहीं चल रहे हैं, बृहस्पति भी आरंभ में वहीं के वहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रहों का परिवर्तन देखिए 2024 में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए शुक्र प्रधान आपकी राशि है और विशेष तौर पर आप समझे कि 2024 में आपकी राशि के धन संपदा के स्वामी कौन है। आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। आपकी राशि के अनुसार से बात करें और मंगल इस पूरे 2023 में सबसे ज्यादा समय अस्त रहे, सूर्य के साथ उनकी गति बनी रही और लगातार अस्त रहे और वर्ष के आरंभ में भी वो अस्त चल रहे हैं। 17 जनवरी को जाके वो उदय होने के योग बनाएंगे। बहुत लंबे समय तक कोई ग्रह अस्त रहे ये बहुत कम होता है, लेकिन लगातार मंगल के साथ ये विडंबना 2023 में फंसी रही। 2023 में शनि ने क्या करा, बृहस्पति पर दृष्टि डाल रखी। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सप्तम भाव में सामने उपस्थित थे, आपके पर्सनैलिटी में नए शक्ति लाने के योग बनाने के योग बना रहे थे, लेकिन शनि की दृष्टि उनके ऊपर थी। साथ साथ राहु भी बृहस्पति के साथ लगातार पूरे 2023 में बने रहे और ये समस्या बनी रही कि बृहस्पति का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त। उम्मीद 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 में 2023 निकलता चला गया, लेकिन चिंता ना करें, जो 2023 में नहीं हुआ जिसकी उम्मीद आपने लगा रखी थी, अब 2024 में अद्भुत तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे कार्य होने के योग अद्भुत रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप यदि शनि का उपाय थोड़ा बहुत रूप से कर ले तो 2023 के आरंभ से ही आपके बारे में न्यारे होने के योग आपको साथ साथ सूतक पातक बनाते दिखाई देंगे। एक सबसे बड़ा कारण 2023 में यह था, आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति की युति शनि उन पर दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन वर्ष के आरंभ से पहले ही राहु महाराज को पलायन कर गए, वहां से पीछे चले गए और जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था उससे बृहस्पति को राहत मिली, लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी लगातार बनी हुई है। देखिए शनि स्वग्रही में बैठे हैं वहां पर, उस दृष्टि में शनि की दृष्टि तो खराब होती ही है, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वर्ष में वो दृष्टि भी शनि की हट जाएगी और उसके बाद बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो वो एक तरह से आपके लिए धन संपदा के लिए सुंदर लाभ के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि को यदि आप आरंभ से ही मनाना आरंभ कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर आपके लिए बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपके यदि बात करें तो क्योंकि द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति होता है और द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि बिल्कुल बनने के योग तैयार है, क्योंकि 2 मई के आसपास से बृहस्पति भी परिवर्तित होकर आपके द्वितीय भाव धन भाव, आज हम जो बात कर रहे हैं विशेष रूप से धन की बात कर रहे हैं। देखिए धन की बात करनी है संसार में परम आवश्यक है। यदि एक उर्दू की बात की जाए तो धन को नायक खुदा बोला जाता है, खुदा के बाद दूसरा नंबर कोई आता है तो धन का ही आता है, और धन को इस संसार में भारतीय सनातन पद्धति में कहा गया है कि नाथ धर्म तथा सुखम, जहां धर्म का कई पुरानी कहावत है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पराः पात्रताम धनम आप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम, जो जहां धन का उपयोग धर्म के कार्य में होगा तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग अच्छे से जीवन में सुख संपदा के योग भी बन जाएंगे। तो बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर तरीके से इस वर्ष आपके लिए भाग्य जगाने के सुंदर रास्ते, धन को आगमन कराने के सुंदर रास्ते, विशेष तौर पर सम्मान की वृद्धि करने के सुंदर रास्ते बनाने के योग दे रहे हैं और साथ साथ मंगल ग्रह भी शक्ति संपन्न होकर 17 जनवरी के बाद तैयार हो जाएंगे और वो भी आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण फल रखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी भी माने जाते हैं और साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो इन दोनों भावों के दृष्टिकोण से बृहस्पति का परिवर्तन साथ साथ राहु का परिवर्तन हो चुका है, ये आपके लिए ओवरऑल बहुत सुंदर तरीके से दिखाई। तो आपको क्या करना चाहिए, जो क्योंकि शनि की दृष्टि तो लगातार बृहस्पति बनी हुई है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय आप विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हमारे को शनि को मनाने के लिए शास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमारे मति से आता है वो है हनुमान जी को प्रसन्न करना। कहा जाता है कि हनुमान जी का संबंध 2 बार हुआ शनि के साथ और दोनों बार विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि महाराज पर हनुमान जी ने सुंदर कृपा करने का प्रयास कार्य किया। कहा जाता है कि एक बार तो रावण की से दासत्व मुक्त कराने के लिए शनि पर हनुमान जी ने कृपा करी थी, लंका का दहन किया था। दूसरी बार कहा जाता है कि दूसरी मुलाकात जब हुई कि जब एक बार शनि जो महाराज है हनुमान जी के समक्ष उपस्थित होते हैं
और कहा जाता है कि शनि ने कहा हनुमान जी को, एक कथा के अनुसार से शास्त्र में कथा बहुत कहता है कि हनुमान जी के समक्ष जब शनि उपस्थित हुए, महाराज आपकी दशा आ रही है और इस दशा में आप पर हमको आना पड़ेगा, साढ़े साती का प्रभाव है आपके ऊपर रहेगा। और साढ़े साती का प्रभाव कैसा होता है, पहले सिर पे होता है, फिर मध्य भाग पे होता है, फिर टांगों पे होता है। और कहा जाता है कि जब शनि चढ़ता है तो सब कुछ खराब कर देता है, और पहले मस्तिष्क खराब करता है, फिर सेहत खराब करता है, और फिर चाल भी बिगाड़ देता है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के समक्ष भी शनि ने जाके यही बात कही, महाराज देखो हम आपके ऊपर आ रहे हैं। तो हनुमान जी थोड़े से परेशान हुए, बोले क्या होगा इससे, जब आप आओगे आ जाओ क्या करोगे। बोले आपको भक्ति से भी भगा सकते हैं। हनुमान जी बोले अच्छा भक्ति से भगाओगे। तो कहा जाता है कि अच्छा चलो, हनुमान जी ने कहा एक कुछ विचार करने के उपरांत कि आओ तुम जल्दी से आओ चढ़ो हम पे, देखते हैं हम क्या करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी पर जैसे ही शनि महाराज सिर पर आए तो हनुमान जी ने बड़ा शैल उठाया, उठा के हवा में उछाल दिया और जाके अपने सिर पर उसको पहाड़ पे ले लिया, उस पर शिला को अपने सिर पर लिया। अब हनुमान जी का तो शिला ने क्या बिगाड़ना था, लेकिन शनि का बिगड़ गया सब कुछ। कहा जाता है शनि वहां से भागे और उधर पर पहुंचे, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठाया और उसको उठाकर अपने पेट पे लगाया। तो कहा जाता है कि उससे फिर शनि को वहां भी कष्ट हुआ, और उसके बाद शनि महाराज फिर जाकर पैरों में चले गए जल्दी से भागते हुए वहां से। और जैसे ही वहां पर पैरों में पहुंचे तो हनुमान जी ने एक विशाल शिला पर जाकर अपने पैर को मारा। हनुमान जी का तो उस शिला से क्या बिगड़ना था, लेकिन शनि महाराज वहां से निकलकर तुरंत भागे। जो 7.5 साल का तरीका था वो 7.5 मिनट में ही पूर्ण हो गया। कहा जाता है कि शनि ने उस वक्त हनुमान जी को त्याग दिया, कहा महाराज मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपने सुंदर तरीके से। तो हनुमान जी कृपा से जब शनि सुधर गए तो आपको के शनि को भी हनुमान जी सुधार सकते हैं। तो सुंदर तरीके से आपको केवल हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पंचम भाव में शनि का इस वक्त योग चल रहा है, वैसे आपके लिए योग कारक है शनि, लेकिन शनि की दृष्टि दिक्कत देती है ना, तो शनि की दृष्टि बृहस्पति के आरंभ में पड़ रही है, इस वर्ष के आरंभ में बृहस्पति में पड़ी रहेगी। तो वो शनि के महाराज की दृष्टि जो है जीवन साथी व्यवसाय वाले स्थल पर जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती है। तो हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। हमने भी विवेकानंद आश्रम में लगातार सुंदर व्यवस्था कर रखी है, हर मंगलवार को सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ की सुंदर कार्य रहता है, नित्यपति 8 घंटे यज्ञ रहता है, परिवार को यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित है, भाग ले सकते हैं। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है, वहां पर जाके लाभ लेने के योग बना सकते हैं माँ भगवती के सानिध्य लेकर। तो ये ओवरऑल 2024 जो दिखाई दे रहा है हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बस शनि को मना मनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो सुंदर तरीके से 2024 में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी, सुंदर तरीके से लाभ के योग बन जाएंगे। वैसे ओवरऑल 23 के मुकाबले कई गुना अधिक आपकी विशेष तौर पर लाभ देने के योग बनाएगा। बृहस्पति का योग सुंदर जो योग है वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए, परिवर्तन का योग रहेगा। इसके अलावा भी दशा महादशा ग्रहों की जो चल रही होती है वो सब भी कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, उन सबको भी समझने की आवश्यकता होती है, उसके लिए आप संपर्क साध सकते हैं। वैसे आपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी हुई है, और यहाँ तो हनुमान जी का बहुत विशेष तौर पर मनोकामना सिद्धि मंदिर भी विद्यमान है, जहाँ हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा है, और हमने ये देखा है कि जो भी उनके समक्ष बैठकर अपनी आराधना करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग बनते हैं, और ये बहुत सुंदर तरीके से प्रतिष्ठित कर बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। मंगलवार हर महीने 2 बार सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहता है, पहले मंगलवार पर और तीसरे मंगलवार पर। आप भी उन कार्यक्रम में समय समय पर सम्मिलित होकर लाभ की स्थिति बना सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से जो आश्रम पर नित्यपति यज्ञ इत्यादि चलते हैं सुंदर तरीके से उसमें भाग ले सकते हैं। और रविवार के दिन जो विशेष कार्यक्रम रहता है उस वक्त नवग्रहों का शांति महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपनी दिव्य आहुतियां अर्पित करके भगवान को अपनी मनोकामना सिद्धि के निमित्त बनाने का सुंदर कार्य कर सकते हैं। देखिए यज्ञ वही श्रेष्ठ हम कर्म, शास्त्र कहता है कि संसार में यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और आज बड़ा विचित्र स्थिति ये बन गई है कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति से यज्ञ धीरे धीरे लोप होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस संस्थान विवेकानंद योगाश्रम में सद्गुरु आचार्य किशोर देव जी के आशीर्वाद से पिछले करीब करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है, और उन्हीं की प्रेरणा से सुंदर तरीके से हर रविवार को सुंदर कार्यक्रम में सब लोग सादर सम्मिलित होकर उन यज्ञ की आहुति में सुंदर तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी दिन तो यज्ञ ब्राह्मण धर्म शुद्ध तरीके से करते रहते हैं, लेकिन रविवार वाले कार्यक्रम में सब लोग सादर आमंत्रित हैं और उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर तरीके से माँ भगवती को प्रसन्न करने का सुंदर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 से एक दिव्य प्रतिमा माँ भगवती दुर्गा की विद्यमान है, जो विशेष तौर पर 1947 में मुल्तान से हमारे इस संस्थान में पधारी,
500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा जो चमत्कारी है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती की स्तुति कर लेने मात्र से, दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती की कृपा भक्तों पर उपस्थित हो जाती है। तो आप भी आए सातक विवेकानंद योग आश्रम में, आपके जीवन में कल्याण की योग बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।